बहन आप मेरे को थोड़ा दिखा दो रूम कैसा कंडीशन में, बाजू वाला आप देख के आना ऊपर से। नहीं मुझे नहीं लगेगा, मैं छोटी, हाइट छोटी है ना। पानी इसमें रहते हैं। ये किचन है? हाँ मतलब ऐसे ही खाना वाना जो भी बनता है। और यहाँ मतलब कोई पंखा वंखा लाइट भी नहीं है, मैंने बोला ना उसमें से मैंने एक तार जोड़ के यहाँ छोटी सी लाइट लगाई है। अच्छा आपने खुद से किया है? हाँ मैंने खुद से किया है। चलिए अच्छा है ना, बहन आप इंजीनियर भी हो। क्या करे, कोई करता नहीं था तो अच्छा। करना पड़ा। इधर क्या है? इधर ऐसा ही है जो पूरा टूटा हुआ है। हाँ, ये सब खराब है। मेरा नाम तरुण मिश्रा है और मैं एक फाउंडेशन चलाता हूँ, हेल्प ड्राइव फाउंडेशन। और जहाँ भी लोग प्रॉब्लम में होते हैं हमारे पास जो कॉल आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो आपका नाम क्या है? ज्योति वर्मा, राम हरीश। ज्योति वर्मा। और आपका नाम भाई? वर्मा नवीन। वर्मा नवीन। आपका बहन? वर्मा प्रीति। वर्मा प्रीति। वर्मा राज। वर्मा राज। मम्मी पापा नहीं है। क्या हुआ था उनको? मम्मी सुसाइड की थी और पापा तो अभी 2 साल हुए हैं उनको, डायबिटीज था, उनकी डेथ हो गई गांव में। तो आप लोग यहाँ पे कब से रहते हो, कितने साल से रहते हो? अभी पापा दो साल हो गए यहाँ आए हम लोग। अच्छा, तो जैसे आपका घर है ये सब है तो ये कैसे चलता है, किस तरह आप मैनेज करते हो? मुझे सिलाई आता है, मैंने सेडी में सीखा था। तो सिलाई आता है तो अभी आता है तो मैंने जाकर कहीं पे जॉब किया है तो उससे 5,000 मिलता है मुझे। अच्छा। हाँ 5,000 मिलता है तो उसी से मैं अपना मतलब इन लोग एडजस्ट कर लेती हूँ, उतने में नहीं होता पर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो उसमें आपका भाई बहन सबका जो भी है सब जिम्मेदारी आप लेते हो? हाँ सबका मैं लेती हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी आपके भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं? छोटे भाई पढ़ाई करते हैं ऐसा है, पर मैं इनको कोचिंग ट्यूशन पढ़ाना चाहती थी क्योंकि उसमें स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, तो मैं उन लोगों को स्कूल कोचिंग पढ़ाना चाहती हूँ पर उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है जी। और बहन है छोटी ये है तो उसको मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, अगर ये पढ़ेगी तो मतलब काम कौन करेगा, यही है घर का काम होता। हाँ, है घर का। हाँ घर का काम है, खाना वाना है सब यही देखती है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी, एज कितनी है? मेरी 18 साल है। 18 साल है। और आपकी बहन की? उसका 16-17 है। 16-17। आप इतने कम उम्र में अपने चारों भाई बहन की जिम्मेदारी ली हुई है और इतना सब कुछ कर रहे हो तो ये हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है? मैं अपने छोटे भाई को देखी हूँ, इन लोग बहुत पढ़ने में तेज हैं तो मैं इन लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद अपनी, अब कोई है नहीं, पापा थे तो अगर वो रहते तो मैं सब नहीं करती, मैं खुद भी पढ़ना चाहती थी पर पापा के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी और तो मैं चाहती हूँ मैं जो नहीं पढ़ पाई इन लोग पढ़े, तो मैं इसीलिए मैं सिलाई सीखी हूँ और जो भी है इन लोगों की बस सोती पढ़ाऊँ लिखाऊँ और आगे जाके इन लोग कुछ करे ऐसा। तो जब आपके पापा की डेथ हुई थी आप कितने उम्र के थे उस टाइम? उस समय तो मेरा 17 साल चल रहा था। 17 साल। हाँ। तो दूसरा मतलब कोई फैमिली में और कोई नहीं है जो आपको सपोर्ट करे? नहीं, दादा दादी नहीं है, वो तो पहले उनकी डेथ हो गई थी, वो नहीं है और गांव से कोई मतलब सपोर्ट नहीं देता है, कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई भी नहीं है। नाना नानी है तो वो बूढ़े हो चुके हैं, वो भी हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे आपने बताया कि मम्मी ने सुसाइड किया था तो उसका क्या कारण था, क्यों उन्होंने सुसाइड किया था, कुछ आपको पता है? नहीं, झगड़ा लड़ाई तो नहीं होता था, पापा मम्मी ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं होता था, अब मुझे नहीं पता है मम्मी ने क्यों ऐसा किया। तब मैं 8 में पढ़ती थी शायद, 8 में पढ़ती थी, 16 की होगी, 16-17 जो मुझे लगभग याद नहीं है, 5 साल हो गए हैं क्योंकि उनको किए हुए, मम्मी का 5 साल हो गया, पापा का भी 2 साल हुआ है। अच्छा। कभी कभी हार बहुत मतलब तकलीफ होता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती इन लोगों के लिए, ऐसा होता है पर मैं सोचती नहीं, जब तक मैं रहूँगी तब तक कुछ ना कुछ करके इन लोगों को आगे बढ़ा दूँगी ऐसा सोचती हूँ, और कुछ नहीं।
मैं दूसरों को स्कूल जाते हुए देखती तो मुझे जाने का मन करता, क्योंकि मैं भी पढ़ना चाहती थी, पर सबके वजह से ये सब मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी। मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई बहन हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे ज़्यादा इन लोगों की ज़रूरत है, और मैं इन लोगों का कोई है नहीं, बस मैं हूँ इन लोगों के लिए, इसीलिए और कुछ नहीं। चलिए, आप में बहुत हिम्मत है, रो मत, को समझ सकते हैं कि इस चीज़ को, जिस दर्द से आप लोग गुजर रहे हो और अकेले इतना सब कुछ करो तो इंसान को रोना आ ही जाता है, और रोए भी तो यहाँ पे किसके सामने रोए, और रोते रोते भी आदमी को ये होता है कि अब तो कोई चुप कराने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, तो फिर वो अपने आदत भी पड़ जाती है उस चीज़ को सहने की। पहले तकलीफ होती थी कि कोई है नहीं, मैं कैसे रहूँगी, पर अब मैं समझ गई कि कोई है नहीं, मतलब जो करना है मुझे करना है, ऐसे मैंने सोच के और मुझसे जो हो सका मैंने किया इन लोगों के लिए। नहीं, आपने बहुत किया है, आप तो कहते हो आपकी 18 साल उम्र कुछ भी उम्र नहीं होती है, और इस उम्र में आप इतना हौसला रखे हो, सब कुछ कर रहे हो और अपने भाई बहन के बारे में सोच रहे हो। इस उम्र में बच्चे अपने बारे में भी नहीं सोच पाते हैं, तो भाई बहन के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात होती है ना बहन? लेकिन आप अकेला बिल्कुल मत समझो अपने आप को, ईश्वर ने अगर हमें दुनिया में लाया तो हमारे लिए कुछ ना कुछ रास्ता भी ज़रूर ढूंढता है। रो मत बेना, क्या नाम इनका है? प्रीति। प्रीति, रोना नहीं है, आप लोग तो बहुत मजबूत हो यार, इतनी उम्र में सब भाई बहन साथ में रह रहे हो और एक साथ इतना अपने आप को संभाल रहे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है ना? तो ऐसे आपको जो भी समझो, आपको भाई की तरह या बड़ा भाई मानो, जो समझो, तो मेरे से जितना होगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों के इस दुख में मैं थोड़ा आपका साथी बन सकूं। मेन मेहनत तो देखो आपकी है, हर जो जिंदगी है, किसी का जिंदगी में ज़्यादा संघर्ष है, किसी का कम है, लेकिन ये संघर्ष ही हमें आगे ले जाता है। लेकिन उस संघर्ष के टाइम में, उस दुख के टाइम में अगर कोई हमें थोड़ा सहारा मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान बन जाती है ना बहन? अभी चलो थोड़ी से, पर बारिश के समय हम लोगों की बहुत तकलीफ होती, सोने को जगह नहीं रहता है घर में, ऐसा होता है, ऊपर से पानी गिरता है, पानी गिरता है कभी कभी, मतलब सोते रहो, ज़्यादा रात को बारिश होती है तो बाहर का पानी अंदर आ जाता है, ऐसा होता है, यहाँ दरवाजे तक पानी भर जाता है पूरा, ऐसा होता है, तो हम लोग बारिश के समय मतलब अच्छे से रह नहीं पाते हैं, बहुत तकलीफ होता है। और मतलब लाइट, जब पापा के गांव में डेथ हो गई थी, मैं यहाँ आई थी तो लाइट नहीं थी मेरे घर में, तो मैंने खुद से ही थोड़ा बहुत किया, मतलब यहाँ से कनेक्शन जोड़ के उस रूम में लाइट चालू की और खुद से थोड़ा बहुत कर ली, पर बाकी के रूम में मैं लाइट नहीं लगा पाई। कभी कभी बहुत ही तकलीफ होता कि मेरे पापा मम्मी होते तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, और बहुत लोग होते कुछ बोल देते तो बहुत तकलीफ हो जाती है। क्या बोलते हैं? कैसे? कुछ भी, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी चीज़ को थोड़ा बोल देंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए बहुत अंदर से तकलीफ होता है कि काश मेरे भी कोई अपने होते तो ये सब नहीं कहते। जैसे कि अभी काम है कुछ भी, अभी बैंक का काम रुका है, पापा का मेरे पैसा मतलब उसमें फंसा हुआ है, तो वो सब काम के लिए मुझे कहीं वकील के पास जाना रहता है, सब करना पड़ता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि घूमने जाती है, करती वो करती, पर उन लोग मेरी परेशानी नहीं समझते कि वो अकेली कैसे करती है, लड़की है, कोई ये सब नहीं समझता है। कौन लोग बोलते हैं घूमने जाती है? बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं, तो जब वो मदद नहीं कर सकते हैं, आपके पास आ नहीं सकते हैं, तो उनको ये बोलने का भी अधिकार नहीं है कि आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि कैसे भी करके अपने भाई, रोना नहीं है बाबू, है ना, आराम से रहो, सब होता है और समझ सकते हैं, रोना नहीं है, हम पढ़ेंगे आगे, तुम्हें मन लगा के पढ़ना और सबका प्रॉब्लम को दूर करना है, करोगे ना? जितने भी हैं भाई हैं सबका है, और बहुत अच्छा है, संघर्ष का जिंदगी होता है ना, बहुत अच्छा होता है, मैंने भी बचपन में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ किया है, आज भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है और लोगों की मदद करने का मौका मिलता है,
मेरे को अपने भाई बड़े भाई की तरह समझो, कभी भी कोई गाइडेंस कुछ भी लगे कोई भी चीज़ की जरूरत हो मुझे कभी भी बोल सकते हो कि भैया ये चाहिए। और बिल्कुल नहीं हारना है, स्ट्रांग रहना है, क्योंकि जितना हम जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं हमारा आने वाला समय उतना ही अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। और आप लोग तो पढ़ने में भी अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो, तो सब अच्छा रहेगा। और लोगों की बिल्कुल नहीं सुनना बहन, जो जिसको बोलता है, क्योंकि आपके घर के लीडर आप हो, आपको पता है कि आप किस तरह से अपने परिवार को चला रहे हो, तो दुनिया वाले बोलते रहेंगे। और जो आपकी मदद नहीं करता मैं सीधा समझता हूँ उनको बोलने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है। और अभी से आपको कोई भी कुछ ऐसा भी काम हो एडवोकेट का, किसी भी चीज़ का, आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अभी जो हम तत्काल में पहले भाई के लिए, मैं आपको स्कूल का आपने जैसे बोला तो मैं आपको एक अच्छी जगह पर ले जाता हूँ, वहाँ आपको दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरह का स्कूल है और सब कुछ, वहाँ पर रहना, हॉस्टल, खाना पीना सब कुछ है और पास में ही है, तो वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं। जब वैकेशन हो तो यहाँ आ भी सकते हैं, आप भी उनसे मिल सकते हो, तो आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी कम होगी, ठीक है। अब मेरे साथ चलो, पहले हम स्कूल देख लेते हैं, और ठीक है। और दूसरा, अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बताओ तत्काल कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। नहीं, मुझे सिलाई आती है, मुझे सिलाई आती, मैंने सिलाई सीखी है, तो अगर मशीन होती मेरे घर में तो मैं करती, कुछ जैसे घर का काम मैं करती, चाहे मेरी बहन कर सकती थी, ऐसा है। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, आपको जो भी मशीन पसंद आए, ठीक है, हम वो ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी चलिए मेरे साथ, आ जाओ भाई, आ जाओ। आपने पूरा घूम लिया, पूरा कैंपस देख लिया, यहीं पे अभी आपके जो तीनों भाई बहन हैं यहाँ पे रहेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ बिल्कुल फ्री है वात्सल्य धाम की तरफ से। तो अभी आपको कैसा लगा, सेटिस्फेक्शन है पूरा? अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा ना, ठीक है। और बाबू तुम्हें पसंद आया ना, तुम्हें ठीक है ना, यहाँ रहना है, मन लगा के पढ़ना है। आपने देखा स्कूल है, हॉस्टल है, बहुत सारे 600 बच्चे यहाँ पे रहते हैं, है ना, और काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और आपको पढ़ के आगे कुछ करना है। और बहन आपका भी जो पढ़ाई बंद हो गया था, आपने 3 साल पहले जो पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया था 9वीं में, तो आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू करो और अपना 10वीं 12वीं जो है वो पूरा करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बंता सर, खासकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा जब भी हम ऐसे बच्चों को लेके आते हैं तो आप उन्हें एकदम इतने अच्छे से सेट हो जाते हैं, वो इतना प्यार आप लोग यहाँ पे देते हैं उन्हें कि उनके घर की कमी महसूस ही नहीं होती है। मैंने लास्ट टाइम भी अभी तक जितने बच्चे लेके आए सब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, सबके संस्कार में, सबके बर्ताव में, सबके पढ़ाई में, तो बहुत अपनापन लगता है। तो थोड़ा यहाँ के विषय में बताएं कि वात्सल्य धाम में कितने बच्चे रहते हैं और उनको क्या क्या सुविधा मिलती है यहाँ पे। बहुत बहुत आपका भी आभार तरुण भाई, आप बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसे जो बच्चे को ज़रूर है, जिसको रिक्वायरमेंट है, उसको आप वात्सल्य धाम तक पहुंचाने की वो जिम्मेदारी आप बहुत समय से निभा रहे हैं, आपकी टीम है। तो वात्सल्य धाम ऐसा एक जो सेवाधाम है जहां बच्चा आके, एक बार बच्चा आ जाता है तो वो पूरा वात्सल्य धाम परिवार का हो जाता है। उसको पढ़ने का, रहने का और मेडिकल सुविधाएँ, वो सब चीज़ें उसको निःशुल्क दी जाती है। बच्चा चाहे तो वो जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है। और इधर उसको पढ़ने का 1st से लेकर 12th तक की उसकी स्कूल है, बाकी स्पोर्ट्स के लिए पूरा ग्राउंड है, रहने के लिए हॉस्टल्स है, उसको स्वच्छ और शुद्ध भोजन मिले उसकी भी पूरी व्यवस्थाएं हैं, तो सब चीज़ें के ख्याल वात्सल्य धाम में उसको रखा जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा। और वात्सल्य धाम इतना दैविक जगह है, यहाँ पर आने के बाद एक बहुत ही अच्छा आनंद का महसूस होता है। तो आप भी अगर यहाँ पे हो कहीं भी, कामरेज में ये स्थित है, कामरेज के पास, क्या एड्रेस पूरा बताएं? हाँ जी, वात्सल्य धाम दीन बंधु हॉस्पिटल के पीछे, गांव खोलवड़, तालुका कामरेज, जिलो सूरत। हाँ, तो कामरेज, जब भी आप कामरेज से आगे बढ़ते हो तो ब्रिज से नीचे उतरना है, वहाँ से राइट लेके आपको वात्सल्य धाम का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आएँ जब भी आपको समय मिले, संडे के दिन कभी भी, और बच्चों के साथ मिले और अपना समय बिताएं, काफ़ी अच्छी जगह है, हमें कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। धन्यवाद, है ना बहन। चलो अभी
ठीक है, और आप इसको चलाना भी जानते हो, आपने इसका क्लास किया है, तो ये मशीन आपको अच्छे से चलाना आता है, इसके आधार पे आपको आसपास काम मिल जाएगा, मिलेगा, है ना। और जो आपके तीनों भाई बहन की आपको टेंशन थी इनके पढ़ाई की या कैसे हम पढ़े, तो इनके पढ़ाई के लिए भी इनका स्कूल में एडमिशन हो गया है, अभी वहाँ पे वैकेशन है, तो जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है तो एडमिशन इनका हो चुका है, इनको बस जाके ज्वाइन करना है, तो वहाँ रहना पढ़ना सब कुछ हो गया, तो आपके सर से थोड़ा सा जिम्मेदारी कम हुआ। अभी हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग ने सोचा नहीं था कि इतना कोई हम लोग के लिए कर सकता है, आपने इतना किया, ये मशीन दिलाई, इससे मैं कर सकती हूँ कुछ भी काम, अपने लिए थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा सकती हूँ, और इन लोगों के लिए स्कूल हो गया, अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इन लोगों को, मैं सोचती थी मैं इन लोगों को पढ़ा नहीं सकती, पर अब मुझे, मेरे सर से टेंशन दूर हो गया कि मैं, चलो इन लोग के लिए भविष्य के लिए आगे जाकर कुछ अच्छा होगा, पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, और मैं भी इस मशीन के द्वारा कुछ ना कुछ कर लूँगी। नहीं, नहीं, सही बात है बहन, और आपको बिल्कुल भी, आप जो हिम्मत रखते हो, जो काम करने का हौसला रखते हो, वो बड़ी चीज़ है, कोई ना कोई हमें जरिया मिलता ही है, आप इस मशीन का इस्तेमाल करें और जो भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरत है उसको आप पूरा करें, और कुछ ऐसा लगे दोबारा कि हम, मेरे तरफ से करना है, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, आप मुझे कभी भी बड़े भाई की तरफ फ़ोन कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, है ना बहन। हाँ, आपके आने से हम लोग, मतलब कि लगता नहीं है कि हाँ हम लोग का कोई है नहीं, अच्छा लगा कि आप यहाँ आए, हम लोगों को, हम लोगों की प्रॉब्लम देखे, हम लोगों की मदद की, मुझे अच्छा लगा आप आए यहाँ, जो हो सका आप लोग किए हम लोगों के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं एक माध्यम है, जो भी है ईश्वर की कृपा से होता है, भगवान उस चीज़ को करवाता है किसी न किसी के जरिए, अगर उसने आपको ज़िंदगी दी है तो आगे जीने का रास्ता भी देगा, आप संघर्ष कर रहे हो, इतनी कम उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके आगे हमारा कुछ भी नहीं है, हमने तो बस एक आपकी छोटी सी, इस रास्ते में आपके जो संघर्ष है उसके बीच में हम थोड़ा सा एक माध्यम बने, बाकी पूरी लाइफ की संघर्ष आपकी है, और भाई बहन ये अच्छे से पढ़ें ऐसा हम लोग हमेशा चाहेंगे, कुछ भी ज़रूरत जैसा लगे कि इनको चाहिए, बैग, स्कूल, बाकी सारी चीज़ें वहाँ उनको मिल जाएगी, फिर भी कुछ आपको लगे कि हाँ कोई हमारे लाइफ को बनाने में कोई चीज़ के बीच में ज़रूरत पड़ती है तब मुझे बताना, आप ये काम भी करोगे, चलो आप मेहनत कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कभी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हमारे तुरंत अभी के बजट से बड़ा होता है और हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा रुकावट आ जाता है, तो वैसी कोई भी चीज़ हो तो मुझे आप ज़रूर बताना, तो मैं बोल देता हूँ, और कल आपके यहाँ पे वायरमैन आ जाएगा और जो वायरिंग का आपका काम है ये फिट कर देगा, और जो भी लाइट इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना वो कल कर देगा, ठीक है, वो आप करवा लेना, मैं उसको बोल दूंगा, आ जाएगा और हम लोग उसको कर देंगे, ठीक है, और सब कुछ हो गया ना, अभी कुछ बाकी है। थैंक यू, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आप हम लोगों के लिए भगवान हो एक तरीके से, हम लोग कोई आज तक हम लोग की मदद नहीं किए, आप ही किए आकर, हम लोगों को अच्छा लगा, मुझे लगा कोई हम लोगों की मदद करेगा कि नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग किसी से मदद भी नहीं मांगते थे, जो होता हम लोग खुद कर लेते थे, पर आप आए किए हम लोग को बहुत अच्छा लगा। नहीं नहीं, बस आप मेरी बहन जैसे हो, मेरी छोटी बहन ही समझो अपने आप को, और कभी भी कुछ भी चीज़ में मत हिचकिचाना, आप जब भी बताओगे कुछ भी तो आप हक से मुझे बताना कि मुझे भैया इस चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग ज़रूर आएंगे और उस टाइम पे आपकी मदद करेंगे, ठीक है बहन। और जो भी है सब भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा, आप इसी तरह हौसला हिम्मत बनाए रखना, और कुछ भी रहेगा हम लोग हमेशा जुड़े रहेंगे साथ में, ठीक है, आप लोग आते रहना यहाँ, बिल्कुल अच्छा, अब आप लोग आओगे, अब जान गए हो आना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोगों का कोई है, ऐसा नहीं लगेगा कि कोई है नहीं।